नमस्कार प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सोना ताड़ू विधानसभा क्षेत्र में हैं। मेरे साथ हैं रोहतास खटाना जी के पुत्र जो कि चुनाव प्रचार संभाल रहे हैं। आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको सोना ताड़ू में? देखिए जी, माहौल तो आप ही देखो, मैं तो बताऊँगा, मेरा माहौल तो अच्छा ही चल रहा है जी, क्योंकि हम तो कैंडिडेट हो गए ना जी, तो माहौल तो आप ही पता करोगे क्षेत्र में जाके जी। और आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आपको क्या समस्याएं प्रमुख तौर पर देखने को मिल रही हैं, लोग क्या बता रहे हैं? भाई पिछले 10 साल से तो कोई विकास ही नहीं हुआ है जी, बीजेपी ने बहुत बुरा हाल कर रखा है यहाँ। सैड के देखो समस्याएं तो मतलब ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जो नहीं बच रही है जी। वो आपने देख लिया होगी, आप भी आए होंगे, रोडों का बहुत बुरा हाल है, 2-2 फुट के गड्ढे पड़े हैं जी। पहले सुनते थे कि बीजेपी तो रोड बनाती है, लेकिन बीजेपी तो रोड के नीचे से रोड को भी लेगी निकाल के जी, रोड के नीचे से रोड जी। और खासतौर पे सोना, क्योंकि एनसीआर का एरिया है, जब दिल्ली में हम देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं कि सोना में घर खरीदें, प्लॉट खरीदें, लेकिन यहाँ पर आकर सड़कें ढूंढना वाकई मुश्किल हो रहा है। तो अगर आपकी सरकार बनती है, आपके पिता विधायक बनते हैं, तो क्या आपके वादे हैं इस क्षेत्र के लिए? देखिए जो पहले जो आज से 10 साल से और अब तक जो चला आ रहा है जी, कांग्रेस तो कांग्रेस की पार्टी तो आने वाली है, जैसा आपको पता कि बीजेपी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, तो इसके और क्यों आ रही है? क्योंकि बीजेपी के बुरे शासन के कारण, क्योंकि यहाँ जो भी विधायक आया है वो बाहरी आता था जी, और लूट के अपने सोने के जनता को और अपनी जेबें भरने का काम करते थे जी। तो आपकी पहली बार कांग्रेस पार्टी ने 58 साल बाद क्षेत्रीय उम्मीदवार को जी, खटाना साहब को जी, पे जो अपनी मेहरबानी करी है, जो टिकट देकर उन पे विश्वास जताया है, हम उस विश्वास से पे कायम रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट निश्चित उनको देंगे। और जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे खटाना साहब के नाम का अनाउंस हुआ, आपको लगता है कि पिछले चुनाव में जो उनको ताकत मिली थी जनता से, उसका एक बड़ा असर रहा है? जो पिछले चुनाव में हमें जो 47,000 वोट जो जनता ने दी थी ना, वही कारण बना है हमारे टिकट लेने का जी। क्योंकि जो पिछली बार जो 2019 का चुनाव था, हमें इस 36 बिरादरी ने हमें 47,000 वोट दी थी जी, तो उसी के बलबूते पे हमें ये टिकट मिली है। एक चीज़ और देखने को, मत विभाजन बड़ा देखने को मिलता है, क्योंकि गुर्जर समाज से ही काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं, बुजुर्गों की एक दिशा है, युवाओं की एक दिशा है, आपको लगता है कि आप सबको एकजुट करने में सफल होंगे? अभी तो हालांकि 5 तारीख दूर है। नहीं नहीं नहीं, हमारे बुजुर्गों के पीछे ही युवा साथी चलते हैं सारे, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है तभी तो हम आगे चलेंगे जी, और इनके बड़े बूढ़े जो हमारे हैं इनके नीचे ही काम कर रहे हैं युवा सारी जी। और नायब सिंह सैनी ने सीएम बनने के बाद अचानक से नौकरियों की बरसात करने की बात कही, आपको लगता है कि अब युवा उस बात में? ये तो झूठ बोलने का काम है बीजेपी का सर, आप भी समझते हो, झूठ ही तो बोलती आ रही है जी। हाँ, हमारी सरकार आएगी, हम अपनी कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि भाई आगे युवाओं को रोजगार मिले जी, क्योंकि हमारे रोजगार युवा बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं जी। जी बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे खटाना जी के पुत्र, जिन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार रोहतास खटाना यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और यहाँ पर चूंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं, और मेरे साथ स्थानीय स्तर पर जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और भारी बरसात के बीच लोगों यहाँ पर एकजुट रहे उसको आयोजित करने वाले जी, आज का जो कार्यक्रम था, बरसात में तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन आप लोगों को एकजुट रखने में कामयाब रहे। सबके अंदर जोश है और सब अब की बार कांग्रेस को लाना चाहते हैं, रोहतास खटाना को जिताना चाहते हैं, इसलिए बारिश में भी धूप में भी बैठे रहते हैं जी। रोहतास खटाना। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।